Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in today's lecture. Today we are going to discuss the topic different processes of taking out minerals. Uh, in our previous lecture, we had a brief description about the minerals, their types, and their uh, classification and use as well. Let us continue the topic and try to understand what are the different methods or processes that are being used to take out minerals from the soil or rocks so have a look extraction of minerals there are three methods given in this picture one is called a mining second is called drilling third is called carrying the first mining that's having two types open cast mining shaft mining let's try to understand the first one that is quarrying uh, or drilling let's try to understand all these so quarrying is the process of removing rock, sand, gravel or other minerals from the ground in order to use them to produce minerals for construction or other uses. The process of taking out minerals from rocks buried under the earth's surface is called mining. Minerals that lie at shallow depths are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. Deep bores called shafts have to be made to reach mineral deposits that lie at great depths. This is called shaft mining. Petroleum and natural gas occur far below the earth's surface. Deep wells are bored to take them out. This is called drilling. Minerals that lie near the surface are simply dug out by the process known as curing. तो जैसा कि डेफिनेशन से यहाँ पता चलता है जो करिंग है ये वो प्रोसेस है ये वो सिस्टम है जिसमें जो रॉक या सैंड या ग्रेवल या अदर मिनरल्स होते हैं इनको हम ग्राउंड से ग्राउंड से इनको रिमूव करते हैं और तब जाके हम पहुँच जाते हैं मिनरल्स के पास और उन मिनरल्स को हम यूज़ करते हैं या फिर इन्हीं को यूज़ करते हैं रॉक अपने आप में एक मिनरल है सैंड ग्रेवल अपने आप में एक मिनरल है या बाकी जो मिनरल्स जो टॉप सरफेस पे अवेलेबल होते हैं टॉप लेयर पे अवेलेबल होते हैं उनको सिंपली कलेक्ट किया जाता है ताकि हम कंस्ट्रक्शन परपज उनके लिए कंस्ट्रक्शन परपज़ेज़ के लिए उनको यूज़ करें हैव ए लुक यू विल सी हेयर देखिए सिंपली इन मेटरल को या इस मटीरियल को उठाया जाता है ट्रक्स में डाला जाता है और फिर जाके कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है जैसे हमें बाजरी की जरूरत होती है ग्रेवल हमें सैंड की ज़रूरत होती है उठाते हैं हमें रॉक्स की ज़रूरत होती है उठा लेती हैं ट्रक्स में और तब जाके इनको डायरेक्टली यूज़ करते हैं ये एक तरीका है जिसको हम कहते हैं कॉर्िंग सिंपल मेथड सिंपली उठाना है टॉप लेयर को जहाँ पे अवेलेबल है या जिस चीज़ की भी ज़रूरत है उसको निकालना और यूज़ करना दूसरा मेथड है जिसको हम माइनिंग कहते हैं ऑब्सली माइन का मतलब होता है सृंग बनाना यानी ज़मीन खोदना और उसके ज़मीन के अंदर से एक ऐसी आ, आ, ऐसा एक रास्ता तैयार करना जिससे हम इन मिनरल्स को बाहर निकालते हैं सो so, इसको हम कहते हैं माइनिंग माइनिंग के कई तरीके हैं इनमें से दो यहाँ पे दिए हैं ओपन कास्ट माइनिंग शेफ्ट माइनिंग तो जब नज़दीक ही जब ज़मीन के थोड़े से हिस्से मतलब थोड़े से हिस्से को खोद कर हम मिनरल्स को निकाल सकते हैं आराम से या जो टॉप सरफेस लेयर होती है इसको निका खोद कर हम निकालेंगे तो इसको हम बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग ओपन कास्ट माइनिंग की यहाँ पर दिखाता हूँ एक दिस इज़ माइनिंग वन ऑफ द मैथड ये डीप माइनिंग है लेकिन ओपन कास्ट माइनिंग में <coughs> आपको नजर आएगा कि सरफेस लेयर को हटाया गया है और मिनरल्स को नीचे से निकाला गया यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको पूरी तरह से क्लियर किया गया मिट्टी हटाई गई और मिनरल्स को बाहर निकाला गया ये होती है ओपन कास्ट माइनिंग तो दूसरी माइनिंग आपको यहाँ पे दिखाते हैं दैट्स कॉल्ड शेफ्ट माइनिंग सो डीप बोर्स कॉल्ड्स हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ दिस इज़ कॉल्ड शेफ़्ट माइनिंग कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स बहुत नीचे होते हैं डीप इन साइड द अर्थ उनको निकालने के लिए मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है और कभी कभार ये देखा भी जाता है कि कितने डीप हैं तो शेफ्ट बनाए जाते हैं तो देखते हैं वो कैसे किया जाता है हैवे लुक दिस इज़ कल्ड शेफ्ट स्टिकिंग या शेफ्ट माइनिंग तो जैसे कुएं जैसे खोदे जाते हैं और नीचे ज़मीन से निकाला जाता है तो ये बहुत नीचे होते हैं बहुत डीप और इसके लिए काफ़ी मशीनस भी यूज़ होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में तो तभी जाके मिनरल्स जो है आजकल महंगे होते हैं तो यू हैव अ लुक आपको पता चलेगा कि ये कोई मामूली बात नहीं है शेफ्ट माइनिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसके बाद और एक इनके लिए एग्जांपल्स है शाफ्ट माइनिंग में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो काफ़ी डीप होते हैं मोस्टली अर्थ सरफेस के नीचे होते हैं तो पाए जाते हैं इसके अलावा और एक तरीका है जिसको हम कहते हैं ड्रिलिंग ड्रिल करना मतलब होता है जैसे कि हम यूज़ करते हैं ड्रिल मशीन तो ये ड्रिल मशीन यूज़ की जाती है पाइप नीचे डाली जाती है मशीन नीचे डाली जाती है पता लगाया जाता है कितना डीप है और उनके ज़रिए जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो निकाला जाता है बाहर तो उस सिस्टम को हम कहते हैं ड्रिलिंग तो करिंग मैं पहले बोल चुका हूँ सिंपली डग आउट करना सिंपली जो टॉप लेयर है जैसे रॉक है सैंड है ग्रेवल है इसको उठाकर ट्रकों में डालना और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना चलिए देखते हैं ड्रिलिंग तो ड्रिलिंग मेथड वही है जैसे आप ड्रिल करते हो घर में किसी चीज को यानी नीचे खोदना हल्का सा पहले पाइप डाल के मशीन डाल के पता लगाना कहाँ पे है कितना है और उसके बाद उसको बाहर निकालना तो डियर किड्स यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें दिखाया गया है कि ड्रिलिंग मशीन किस तरह से यूज़ की जाती है तो इसी से मिनरल्स को नीचे से निकाला जाता है पहले मशीन से पता लगाया जाता है कहाँ पे मिनरल्स है कितने मिनरल्स है क्वांटिटी कितनी है क्वालिटी क्या है उसकी उसके बाद मशीन के ज़रिए उसको बाहर निकाला जाता है तो इसको हम कहते हैं ड्रिलिंग मेथड तो ये सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं मिनरल्स को बाहर निकालने के लिए मिनरल्स को यूज़ करने के लिए यूज़ में लाने के लिए तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत और इन मिनरल्स के बारे में तो अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स जैसा मैंने पहले भी कहा मिनरल्स आर नॉट इक्वली अवेलेबल ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट रिजनज एट अ डिफरेंट क्वान्टिट्टीज़ इन डिफरेंट फॉर्म्स एज़ वेल तो चले जाने की कोशिश करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ मिनरल्स सो मिनरल्स ऑकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स सम इन मेटामोफिक रॉक्स वाइल्ड अदर्स ऑकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स एज यू मे हेव डिड इन द लास्ट क्लास दैट इस क्लास सेवन्थ की रॉक्स के कितने टाइप्स होते हैं इग्नियस रॉक्स होती है मेटामोफिक रॉक्स होती है सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं तो इन सारे रॉक्स में मिनरल्स निकलते हैं लेकिन हर रॉक में एक जैसा मिनरल नहीं होता डिपेंड करता है जो रॉक है वो किस टाइप की रॉक होगी तो जो मेटलिक मिनरल्स है मेटलिक मिनरल्स दे आर मोस्टली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामोफिक रॉक्स क्योंकि उनको टाइम भी लगता है ऐसी रॉक्स को बनने में और ये बड़े लार्ज प्लच पे अवेलेबल होते हैं तो आयरन ओर जो है आयरन ओर इन साउथ स्वेडन को कॉपर एंड निकल डिपॉजट्स इन ऑनटेरियो कैनडा आयरन निकल क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्ज़ाम्पल ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामोफिक रॉक्स तो स्वेडन की बात करें या फिर कनाडा की बात करें या साउथ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे इनमें मिलता है आयरन और भी मिलता है कॉपर है निकेल है आयरन या क्रोमाइट है प्लैटिनम है ये सारी जो मिनरल्स uh, है ये मिलते हैं इग्नियस और मेटामॉफिक रॉक्स में इन कंट्रीज़ में तो सरमेंड्री रॉक फॉर्मेशन जो होती है सेडमेंट्री रॉक फार्मेश प्लेंस एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कन्टेन नॉन मेटलिक मिनरल्स लाइक लाइम स्टोन तो सेडमेंट्री रॉक्स चाहे वो पुरानी जो ओल्ड फोल्ड माउंटेंग फोल्ड माउंटेंस हों या फिर प्लान एरियाज़ हों वहाँ पर नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं लाइक लाइम स्टोन इसी तरह से लाइम स्टोन डिपॉजिट्स ऑफ कास्कस रिजन ऑफ फ्रांस मैनगनीज डिपॉजिट आफ जॉर्जिया एंड एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अलगेरिया आर सम्पल्स तो यहाँ पर और, और कुछ एग्ज़ाम्पल्स है जो बिल्कुल इसी कैटेगरी के हैं जैसे लाइम स्टोन हैं या फिर हमने डिस्कस किया मैनगनीज़ की बात की या फॉस्फेट की बात की ये कुछ और है जो इन एरियाज़ में मिलती हैं चाहे वो जॉर्जिया हो फ्रांस हो कराइन हो या फिर अलगेरिया हो तो मिनरल फ्यूल सच एज कूल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन दिसमेंट्री स्ट्रेट्रा तो यहाँ से पता चला कि तीन रॉक्स ऐसी हैं जहाँ पे ये मिनरल्स हमें मिलते हैं फर्स्ट इज़ कॉल्ड इग्नियस रॉक मेटामोफिक रॉक एंड सडमेंट्री रॉक तो सेडमेंट्री रॉक्स में हमें पता चला इनमें ज़्यादातर नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं जबकि जो पहली दो कैटेगरीज़ है इग्नियस रॉक एंड मेटामोफिक रॉक इनमें हमें मिलता है मोस्टली मेटेलिक तो जानने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा ये पिक्चर है वर्ल्ड पिक्चर इससे पता चलता है कहाँ पे कौन सी चीज़ मिलती है तो आपको नज़र आएगा वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन कॉपर एंड बॉक्साइट ये तीन मेटल्स का नाम दिया है आयरन कॉपर एंड बॉक्साइट तो आपके इस मैप के लेफ़्ट साइड में एक बॉक्स है जिस पे लिखा है आयरन कॉपर और बॉक्साइट और तीनों के सिंबल्स दिए गए हैं सिंबल्स आप यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं कि किसका क्या बना हुआ शेप कैसी है आयरन कहाँ कहाँ पर मिलता है कॉपर कहाँ पर मिलता है बॉक्साइट कहाँ पर मिलता है तो इन कंट्रीज़ का कॉन्टिनेंट्स का भी नाम दिया है तो जानने की कोशिश करते हैं वन बाय वन एशिया में चाइना एंड इंडिया दे हैव अ लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स तो एशिया में बात करें एशिया यानी ईस्ट इनकी बात करें तो इंडिया और चाइना काफ़ी लीडिंग प्रोड्यूसर्स है आयरन ओर के इसी तरह से द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर दैन हाफ ऑफ द दर्ल्ड टेन तो जो कॉन्टिनेंट है एशिया ये दुनिया का दुनिया में जितना भी टिन प्रोड्यूस होता है उसमें फिफ्टी परसेंट सिर्फ एशिया निकालता है यानी टोटल दुनिया में जो प्रोड्यूस होता है टिन उसका फिफ्टी परसेंट सिर्फ एशिया से मिलता है चाइना मलेशिया इंडोनेशिया और अमंग दी वर्ल्ड लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स दुनिया में सबसे ज़्यादा टिन कहाँ से मिलता है चाइना मलेशिया और इंडोनेशिया इसी तरह से चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड एंटमनी एंड टंगस्टन। ये तीन वो चीज़ें हैं जो चाइना में सबसे ज्यादा निकलती हैं एक तो लेड एंटमनी एंड टंगस्टन इसी तरह से एशिया ऑल्सो एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉज ऑफ मैनगनीज़ बक्साइट निकिल जिंक एंड कॉपर तो एशिया में काफ़ी ज़्यादा ततदाद में और चीज़ें कुछ निकलती हैं इनमें मैनगनीज़ है बक्साइट है नखिल है जिंक एंड कॉपर तो इनशाला नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी कॉन्टीनेंट्स की बात करेंगे बाकी कंट्रीज़ की बात करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफ़ हैवे नाइस डे